वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह पबजी यूसी ऑनलाइन दराज से बाय कर सकते हैं। बहुत सारे जो ऑनलाइन स्कैम्स वगैरह होते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, सारे धोखे हो जाते हैं, लोगों को जो है यूसी नहीं बाय करके देते हैं और उनको ब्लॉक कर देते हैं पैसे वगैरह लेके। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप जिससे 5 मिनट के अंदर अंदर अपने यूसीज ले सकें। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि मेरे एक जानने वाला का ये अकाउंट है, तो इनके पास अभी 570 यूसीज हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे 30 यूसी लेके दें ताकि उनसे वो रॉयल पास ले सकें। तो मैंने ये मौका देखा कि यही मौका है कि लोगों की हेल्प की जाए और लोगों को बताया जाए कि कैसे वो यूसीज जो है बाय कर सकते हैं आसानी से। इसमें जो है जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैंने इजी पैसा अकाउंट में कुछ अमाउंट डलवाई थी। तो इजी पैसा अकाउंट में अमाउंट होना लाजमी है क्योंकि मैंने उसको जो है फिर कनेक्ट किया हुआ था दराज से। तो इस अकाउंट से जो है आपको और इस वीडियो से जो है आपको ये पता लग जाएगा कि आप जो है किस तरह इजीली जो है यूसीज वगैरह बाय कर सकते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दराज ऐप ओपन की है। दराज ऐप ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि मिनिमम मैं यूसीज कितने बाय कर सकता हूं। तो मिनिमम यूसीज जैसे मुझे 30 चाहिए तो मैं यहां पे चेक करूंगा कि पबजी यूसी लिख के कि मुझे कम से कम कितने यूसीज मिल सकते हैं। तो यहां पे मैं नीचे आया तो यहां मैंने चेक किया कि मुझे कम से कम जो है वो 35 यूसीज, ये आप चेक करें, 35 यूसीज मिल सकते हैं। तो मतलब कि 35 यूसीज मुझे मिल सकते हैं 133 रुपीज़ के। तो मतलब मेरे अकाउंट में जो है 133 मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए। तो मैं ये इजी पैसा मैंने ऐप ओपन की, मैंने चेक किया अपने बैलेंस के, मेरे पास बैलेंस कितना है, इनफ बैलेंस है मेरे पास। तो यहाँ से मैंने फिर उसके बाद जब चेक किया मेरे पास इनफ बैलेंस है तो मैं इसके बाद टॉपअप्स में गया। टॉपअप्स में देखे मैंने क्लिक किया तो उसके बाद मैंने दराज यहाँ पे देखा कि मैं दराज में अमाउंट डलवाना चाहता हूँ। तो मैंने दराज का यहाँ पे जो मेरा नंबर रजिस्टर्ड है वो मैं नंबर यहाँ पे लिखा और जैसे मैंने वहाँ पे चेक किया था इतनी अमाउंट होनी चाहिए तो मैं यहाँ पे 150 का चलें सपोज़ करें, मैं यहाँ पे 150 का लोड कर देता हूँ। ये मैंने लोड यस कर दिया तो उसके बाद अब चेक करें कंफर्म पेमेंट जब मैंने कर दिया तो उसके बाद ये मेरा ऑटोमेटिकली लोड वहाँ पे चला गया होगा, ये रिसीट भी आ गई। अब मैं यहाँ पे मैंने फिर से सर्च किया क्योंकि 35 मिनिमम थे, मैंने 35 यूसी लिखा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसके साथ ही एक था कि जो उससे सस्ता मिल रहा था 125 रुपीज़। मैंने यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह चेक किए कि बंदे के रिव्यूज़ कैसे हैं, कि जो भी ये बाई सेलिंग का काम कर रहा है उसके रिव्यूज़ कैसे। मैंने यहाँ पे कंफर्म पेमेंट किया, अब मैंने यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये 125 का है तो मैंने प्रोसीड टू पे किया। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे कि बहुत सारे और ही मेथड्स हैं लेकिन मैं दराज में जिसमें कि 150 रुपीज़ डलवाए थे आप ये चेक करें तो मैंने उसको यस कर दिया। फिर इसके बाद दराज से जो है वहाँ पेमेंट होगी, आप ये चेक करें कि मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ऊपर लिखा भी आ गया पेमेंट सक्सेस, तो पेमेंट सक्सेस होगी। और उसके बाद जो है आप यहीं पर मैं उसको जो मैंने जिससे बाय किया मैंने वहाँ पे उनका खोला स्टोर और अपने नोट पैड से जो है मैंने उस बंदे की जो है चैनल आईडी और उनका निक नेम ऑलरेडी सेव किया हुआ था। मैं यहाँ से कॉपी करके या कट करके वहाँ पे उनके इनबॉक्स में सेंड कर दूँगा। मैंने यहाँ पे इनबॉक्स में सेंड कर दिया। ये याद रखिएगा आईडी और करेक्टर नेम ज़रूरी होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ही या विद इन 5 मिनट्स ही आंसर उनका आ जाता है, जैसा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ओके का मैसेज आ गया है उनका। यहाँ पे जब उनके ओके का मैसेज आ गया तो उसके बाद फिर मैंने अपना ये देखिए मैसेज भी आ गया कि आपका जो है ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। तो मैंने कंफर्म करने के लिए अपने फिर से पबजी अकाउंट खोला तो अभी चेक कर सकते हैं ऊपर 605 यूसीज, मतलब कि 570 यूसीज थे, 605 यूसी मेरे अकाउंट में आ गए। तो इस तरह आप इजीली बाय कर सकते हैं यूसीज। होपफुली कि आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी।